नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट स्काल्पिंग इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स, स्काल्पिंग के लिए कौन से इंडिकेटर्स बेस्ट रहेंगे और उन्हें कैसे यूज करना है ये सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम MT4 चार्ट पर दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे स्टोकास्टिक ओसिलेटर। ये बाय डिफॉल्ट पीरियड का जो होता है 5, उसको 7 करना है, और ये स्लोइंग और डी पीरियड 3-3 रहने देना है, बस के पीरियड को 7 करना है। ये हो गया स्टोकास्टिक। उसके बाद RSI, RSI का हम 7 पीरियड का RSI यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो 14 का होता है उसको 7 करना है और ओके करना है। बस दो इंडिकेटर्स यूज करना है, एक RSI 7 पीरियड का और दूसरा स्टोकास्टिक 733 का। इसके अलावा हम अन्य इंडिकेटर्स यूज नहीं करेंगे। ये दो स्काल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट होंगे, और सिग्नल कैसे लेना है ये देखेंगे। ये बहुत अच्छे से समझिए, ये स्काल्पिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। स्काल्पिंग का मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाना। आपने बाई किया, कुछ समय के अंदर थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाने को हम स्काल्पिंग बोलते हैं, और ये डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रिस्क फ्री होता है, क्योंकि न्यूज आने के टाइम पर हमारा ट्रेड निकल चुका होता है, तो रिस्क वहां पर नहीं होता है न्यूज का। तो स्काल्पिंग के लिए ये दो इंडिकेटर्स हमने यूज किया। अब जहां सिग्नल बना है मैं वहां दिखाता हूं। जैसे यहां पर एक सेल सिग्नल बना था, सेल बाई के लिए हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेंगे, एक बुलिश एंगल फिन और दूसरा इन्वर्टेड हैमर। उसी तरह से सेल के लिए एक बेरिश एंगल फिन और ये हैंगिंग मैन यूज करेंगे। यहां पर ये हैंगिंग मैन बना था, पहले मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, परफेक्ट हैंगिंग मैन बना था। ये जो बॉडी है, बॉडी इस साइज में होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेग इस तरह से होना चाहिए, और ये लेग का मेन इंपॉर्टेंट आपको समझना है, इससे प्रीवियस वाला जो ग्रीन कैंडल होता है उसके लो के नीचे लेग आना चाहिए, तभी हम सिग्नल लेंगे सेल का। उसी तरह बाई के लिए जैसे इन्वर्टेड हमर बनता है, उससे पहले का ग्रीन कैंडल के ऊपर लेग जाना चाहिए, सेल के लिए नीचे आना चाहिए। उससे प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर लेग आता है तो वो नीचे ही जाता है। ये इन्वर्टेड हैमर का सीक्रेट है। तो ये हमने यहाँ पर सिग्नल मिला इन्वर्टेड हैमर का, जहाँ पर सिग्नल मिला वहाँ पर हम उससे पहले वाला कैंडल पर हमें ये वर्टिकल लाइन रखना है। यहाँ पर सिग्नल मिला, इससे पहले वाला कैंडल पर हमें यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन रखना है। अब वर्टिकल लाइन रखने के बाद इस कैंडल पर हमें यहाँ पर स्टोकास्टिक को चेक करना है और नीचे RSI को चेक करना है। स्टोकास्टिक सेल के लिए क्या करना है, 733 का ये जो नीचे का लाइन है 20 का ओवरसोल्ड लाइन है, वहां से दोनों रेखा एक आपस में दोनों लाइन बिना टच किए हुए 80 के लाइन को क्रॉस करना चाहिए या 80 के लाइन पर होना चाहिए। इस कैंडल पर जिस पर हमें सिग्नल मिला उससे प्रीवियस कैंडल पर हमें यहाँ पर स्टोकास्टिक इस शेप में एक आपस में बिना टच किए हुए 80 के लाइन पर जाना है 20 के लाइन से। और इसका शेप जो है कैपिटल में हम इंग्लिश का ए लिखते हैं, ए का हाफ कंप्लीट होना चाहिए जहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है वहाँ। और उसके बाद नीचे भी चेक करना है। ये तो ओके हो गया, यहाँ पर पैटर्न मिला, उससे पहले का कैंडल पर हमने वर्टिकल लाइन रखा और वहाँ पर स्टोकास्टिक देखा, हमने हमें जो शेप चाहिए उसी शेप में नीचे से ऊपर गया था, ठीक है। अब ये RSI का भी सिग्नल लेना है। RSI का सिग्नल कैसे लेना है, इसका शेप कुछ भी नहीं देखना है, बस जिस कैंडल ने हमें सिग्नल दिया उससे प्रीवियस कैंडल जहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन रखा वो लाइन के नीचे देखना है। RSI 70 का लाइन से ऊपर होना चाहिए, या 70 के लाइन पर होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऊपर था, इसका शेप नहीं देखना है, बस इसका शेप देखना है, हाफ ए का होना चाहिए। तो ऐसे दोनों कन्फर्मेशन मिला और ऊपर हमें कैंडलस्टिक का कन्फर्मेशन मिला, ऐसे कंडीशन पर हम यहाँ पर सेल करेंगे। 1:2 का टारगेट रखेंगे, आपका $10 का लॉस होगा तो $20 का टारगेट रहेंगे। SL इससे पहले का कैंडल का हाई अगर ज़्यादा है तो उसका जस्ट ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर का हम SL रखेंगे, टारगेट 1:2 का रखेंगे ऐसे कंडीशन पर।
उसी तरह से यहाँ पर बाईस सिग्नल बना था, यहाँ पर पैटर्न अच्छा नहीं बना था। कंडीशन में एक्सप्लेन करता हूँ, ये ऊपर वाले लाइन से दोनों लाइन एक आपस में बिना टच किए हुए नीचे आना चाहिए। उससे पहले मान लीजिए ये हैमर है, थोड़ा लेग लंबा होता तो ये हैमर जैसा था, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला तो उससे प्रीवियस कैंडल पर हमें ये वर्टिकल लाइन रखना है और यहाँ पर चेक करना है ऊपर से सेम शेप में नीचे आए थे दोनों लाइन एक आपस में बिना टच किए हुए, और ये इंग्लिश का कैपिटल वी का हाफ कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ आते वक्त सेम उस शेप में आना चाहिए। उसी समय आपको नीचे भी देखना है RSI भी, ये 30 का लाइन है उसके नीचे होना चाहिए या उस लाइन पर होना चाहिए, उससे नीचे था, यहाँ भी सिग्नल मिला था लेकिन यहाँ क्या था, पैटर्न अच्छा नहीं था। हमें एंगल फिन चाहिए, हम हैमर अच्छा मिलता है तो भी नहीं करेंगे, हैमर का सक्सेस रेट एंगल फिन के तुलना में कम होता है, या फिर इन्वर्टेड हैमर चाहिए, इससे ऊपर लेग चला गया होता, इन्वर्टेड हैमर बनता तो ये सिग्नल लेते, लेकिन बाई के लिए ये सेफ देखना है। अब मैं इसको परफेक्ट इसका एक सिग्नल आपको दिखाता हूँ जो 100% परफेक्ट सिग्नल था, ये देखिए, इसको मैं 100% परफेक्ट सिग्नल बोलता हूँ। ये क्यों बोलता हूँ ये हम समझते हैं, जैसे हमें यहाँ पर सिग्नल मिला उससे पहले वाले पर हम वर्टिकल लाइन रखेंगे, ठीक है। स्टोकास्टिक का शेप देखिए कितना बढ़िया, ये ए कंप्लीट होता है, अगर हाफ ए बनता है दोनों ए एक आपस में बिना टच किए हुए ऊपर जाता है नीचे के लाइन से, उस समय अगर यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बनता है तो उसके बाद ए कंप्लीट होता है, हम हाफ ए देखेंगे कंप्लीट था। उसी टाइम पर RSI जो था ये 70 का लाइन के ऊपर था, ये भी कंफर्म हो गया। और तीसरा क्या देखना है, दो ये हो गया, तीसरा यहाँ पर पैटर्न देखना है। ये देखिए इतना परफेक्ट बेरिश एंगल फिन है, ये एवरेज है, बड़ा एंगल फिन भी नहीं है, और परफेक्ट बेरिश एंगल फिन होने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा लेग होना चाहिए इसका, दोनों कैंडल्स में इसका भी ऊपर नीचे लेग था, इसका भी लेग था। तो ऐसे पैटर्न, ऐसे एवरेज बेरिश एंगल फिन बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर उसमें हम ये कन्फर्मेशन नहीं देखते हैं तो भी ऐसे सिग्नल्स पॉजिटिव जाते हैं। यहाँ हम ये दो कन्फर्मेशन भी ले रहे हैं और ये पैटर्न हुआ, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिला था, यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिला था। ये देखिए यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, बेरी सिंगल फिन का परफेक्ट, तीन कन्फर्मेशन, और ये रेजिस्टेंस चार कन्फर्मेशन। अगर आपको जहाँ सिग्नल मिला है उससे पहले रेजिस्टेंस मिलता है, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं ये चेक करने के लिए इंसर्ट पर जाइए, एक यहाँ पर जिग जेग लगा लीजिए। अगर ये जिग जेग का हाई को यहाँ हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पर बेक में जिगजेग का हाई को फर्स्ट टाइम टच करने आता है तो वो उससे बेस्ट रेजिस्टेंस और कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जिगजेग का पीक जो था, जो रेजिस्टेंस था, उसका रेजिस्टेंस हमें मिला है, और ये थोड़ा दूर मिलता है, पीछे मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन ये बीच का गैप है, यहाँ पर कैंडल ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ से पीछे यहाँ मिलता है तो भी वहाँ तक कैंडल एक आपस में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टच जो होता है जिग जेग का वहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ये डबल टॉप जैसा था, ऐसा पैटर्न बनता है और RSI और स्टोकास्टिक भी आपको सिग्नल देता है तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है। ऐसे सिग्नल्स पॉजिटिव जाएंगे, आप दिन भर ट्राई कीजिए, चार्ट में जितना ढूंढिए, एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, पैटर्न का तीन कन्फर्मेशन, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हमने रखा, रेजिस्टेंस रखा, चार कन्फर्मेशन मिलने पर आपके बहुत ही रेयर केस में ट्रेड लॉस जाएगा, आप दिन भर चेक कीजिए थक जाएंगे, बहुत ही कम रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। ये 100% परफेक्ट था आज का स्ट्रैटेजी का सिग्नल का, ये नहीं मिलता है, अभी मैंने पहले दिखाया उस पर भी हम ट्रेड करना चाहिए हमें, यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था इस पर भी हमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसे में भी करना चाहिए, लेकिन अभी मैंने दिखाया वो सबसे बेस्ट है। ये आज का स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।